ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के पीछे संचालित शासकीय महाविद्यालय लाइन अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के सैकड़ों छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि बिना स्वीकृत के छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। छात्रावास में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में ग्राउंड बनाने की स्वीकृति तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा दी गई, लेकिन वहां अन्य छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। छात्रों ने मांग की कि अगर उनके परिसर में छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है तो उनके लिए कराया जाए। आइए आपको सुनाते हैं छात्रावास के छात्रों की क्या मांगे हैं। मेरा नाम मुन्नीलाल बैगा है। मैं आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास सिविल लाइन रीवा का अध्यक्ष। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आए दिन हमारे छात्रावास में कई समस्याएं आ रही है, जो कि हमारी समस्या इस प्रकार से है कि पूर्व कलेक्टर जी द्वारा यहाँ दिया गया था, स्वीकृति किया गया था हमारे छात्रावास परिसर को ग्राउंड बनाने का, लेकिन ग्राउंड बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा है। और पता नहीं बिना स्वीकृति का, जो अचानक स्वीकृति होकर अनुसूचित जाति का ये जो छात्रावास बनाया जा रहा है, ये हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। यदि बन रहा है तो अनुसूचित जनजाति का छात्रावास होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे रीवा संभाग में यदि देखें तो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास या स्नातकोत्तर छात्रावास देखें, एक भी संचालित हमारे लिए नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ शासन प्रशासन बार बार आवेदन दिया जा रहा है, हम लोगों को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन इन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, न तो सुनवाई कोई कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेकर कार्यवाही करें और हम लोगों के लिए एक छात्रावास दें। और ये जो कार्य चल रहा है, इसको कार्य के तत्काल बंद करके अधिकार चल रहा है तो उसे चलाएं, तो हमारे लिए छात्रावास प्रदान करें। कहाँ पर है ये छात्रावास? यह छात्रावास TRS कॉलेज के पीछे है, जिसका नाम है शासकीय महाविद्यालय इन अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास रीवा। ये पूरे रीवा संभाग में केवल एक ही छात्रावास संचालित है सर, वो भी केवल 85 सीटर है। जी सर, इसके सीट बढ़ाने के संदर्भ में भी दिया गया था सर, वही ज्ञापन दिया गया। जी बहुत बार कई बार सर, माननीय कलेक्टर महोदय जी को और मुख्यमंत्री महोदय जी को अभी अनुसूचित जनजाति आयोग जो आए हुए थे उनको अध्यक्ष उनको भी दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। उसमें सीट बढ़ाने की भी मांग किया गया था और नवीन छात्रावास के लिए भी मांग किया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए सर।